हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एस इलेक्ट्रिक। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि आपका डीसी फैन का चार्जर आप अगर तो बड़े ही आसानी से उसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक के बारे में बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंस से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल में देते रहते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारे पास एक डीसी चार्जर जो बेसिकली इस फैन के लिए यूज़ होता है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि हमने पावर कनेक्शन दे दिया है और यहाँ से हमारा पावर कनेक्शन लगा हुआ है, तो देख रहा है यहाँ लाइट आना चाहिए था लेकिन लाइट नहीं आ रहा है, ये ख़राब हो चुका है। तो अब आज हम इसको रिपेयर करेंगे स्टेप बाई स्टेप, आप देखते रहिए। तो अभी इसको हमने खोल दिया है, लेकिन अभी इसको हम पावर कनेक्शन देके इसमें आउटपुट में चेक करेंगे इसके आउटपुट में करंट आ रहा है कि नहीं। तो इसको हमने अभी पावर कनेक्शन दे दिया है और मल्टीमीटर को हमने सेट कर दिया है डीसी वोल्टेज रेंज पर। तो अभी हम इसको मल्टीमीटर से देखेंगे कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं हमारा। तो जैसा कि देख सकते हैं मल्टीमीटर में हमारा वोल्टेज पूरा सही 12-13 वोल्टेज दिखा रहा है, तो हमारा यानी सर्किट सही है। और हमारा ज़्यादातर प्रॉब्लम 70% प्रॉब्लम ये आउटपुट केबल में ही रहते हैं, तो हम इसको आउटपुट केबल को रिपेयर करेंगे। तो जैसा कि हमने इस आउटपुट केबल को खोल दिया है, अभी इसका हम मीटर को वजन मोड पर रख के इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि इसका कंटिन्यूटी सही आ रहा है कि नहीं दोनों तारों में। अगर सही आ रहा है तो ठीक है, वरना तो हम इसको चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो दूसरा लाइन हम देख लेते हैं, एक लाइन में कंटिन्यूटी आ रहा है लेकिन जो बीच वाला लाइन है इसमें कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आ रही है। तो अभी हम इसको यहाँ से आधा काट के देखेंगे कि कितना तक हमारा लाइन सही है, यानी हमारा ग्रीन वायर सही है, रेड लाइन सही नहीं है। ये देख सकते हैं अंदर से आ गया है, तो इसको हम अभी काट के निकाल लेते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन करके देखेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही आ रहा है तो हम इसको यहाँ से लगा देंगे। तो देख सकते हैं हमने इसको काट के निकाल दिया है, अब इसका हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमारा रेड लाइन में ग्रीन लाइन तो हमारा सही आ रहा था, रेड लाइन यहाँ से अंदर से होगा और यहाँ से बाहर से, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मीटर में बजर आ रहा है, मतलब सही है। अब इसका हम इस वाले आउटलाइन को ग्रीन लाइन को चेक करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा ग्रीन लाइन भी सही आ रहा है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से इसका हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर दिया है। अभी हम इसको ज्वाइन कर देंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। और तो देखा दोस्तों कितनी आसानी के साथ इसको हमने रिपेयर कर दिया है। अगर आपका डीसी फैन चार्जर ख़राब हो जाए तो मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तो कम से कम 200 से 250 तक खर्चा पड़ जाएगा, लेकिन आपको आप इसे बड़े ही आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं इसी तरह। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते एक लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।